Good morning, everyone. Continuing with our illustration number 15, audit fees, journal expenses, printing and stationery हमने लिख दिया, receipts and payment account में, salaries and wages हम यहाँ पर लिख चुके हैं, salaries and wages आ गया, audit fees, journal expenses, printing and stationery. Next जो हमारी item given है, that is depreciation on premises. Depreciation क्योंकि cash में pay नहीं हो रहा है, तो हम इसे receipts and payment account में नहीं लिखेंगे, लेकिन जो हमारी balance sheet है, वहाँ पे हमें इसे show करना है, assets से deduction की form में. तो यहाँ पे हमें adjustments में given है कि on 1st January 2006, the club owned premises valued at 30,000, government securities of the face value of 10,000 and cash in hand 2,000. तो ये opening balance sheet का हमारे पास data given है यहाँ पे. तो opening balance sheet में हमने लिखा cash in hand, premises, investments. तो अब यहाँ पे जो premises given है 30,000, during the year हमने कोई भी premises purchase नहीं किया है. तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई प्रमिसेस परचेज नहीं किया है, लेकिन उसके ऊपर हमने डेप्रिशिएशन लगाया है. तो जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, वहाँ पर जो हमारा प्रमिसेस है, उसमें से हम डेप्रिशिएशन लेस करके लिख देंगे. इन्वेस्टमेंट्स हमने लिख दिया, कैश इन हैंड जो है क्लोजिंग हमें निकालना पड़ेगा. जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो हमारा कैश इन हैंड का बैलेंसिंग फिगर आएगा. देन डेप्रिशिएशन के बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास गिवन है, दैट इज टू स्पोर्ट्स मटेरियल. जो स्पोर्ट्स मटेरियल है आपका, रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमने शो किया स्पोर्ट्स मटेरियल को 150. देन नेक्स्ट है हमारा टू ऑफिस एक्सपेंसेस, पेमेंट्स में चला जाएगा बाय ऑफिस एक्सपेंसेस. देन टू टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस. देन ये एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जो आपका वो सरप्लस है, तो इसे हम जो हमारा और क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ये हमारा ऐड होगा. जो कैपिटल फंड है, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारा बैलेंसिंग फिगर वो आएगा. नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज आपका इनकम साइड पे एंट्रेंस फीस गिवन है आपकी 500 की. जो एंट्रेंस फीस की अमाउंट है, छोटी है और ना ही इसमें लिखा हुआ है कि आपने उसे कैपिटलाइज करना है. तो आप इसे नॉर्मल रिसिप्ट, तो वैसे में ही रिसिप्ट है, तो हमें उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो शो करना ही है. तो एंट्रेंस फीस में हमने 500 यहाँ पर एंटर कर दिया. देन आपका नेक्स्ट जो आइटम गिवन है, दैट इज़ बाय सब्सक्रिप्शन 15,000 का. सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन जो है ऑलरेडी अमाउंट लिख दिया है 1,500. लेकिन इसमें एक चीज़ और हमने यहाँ पे करनी है कि जो भी हमारी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ पे गिवन थी, इसको हमें बैलेंस शीट में भी शो करना है. जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st January 2006, तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी सब्सक्रिप्शन. सेम तरीके से आपकी दोज रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, रिसीव्ड इन एडवांस है, तो आपकी आपकी 600 यहाँ पे आ गई. आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सॉरी, ये सब आपकी आ गई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 100 ओपनिंग बैलेंस शीट में, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट में 400 की. तो ये ओपनिंग था हमारा. देन क्लोजिंग हमारी गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2006 1500 और रिसीव्ड इन एडवांस 600. तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपकी शो हो जाएगी, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1500 की और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600 की. तो ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हो गया. देन बाय इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, तो इसकी भी रिसिप्ट हमें दिखानी है. तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू कोई एक्रूड तो नहीं है आपका इंटरेस्ट, तो इसीलिए हमने इसे बैलेंस शीट में शो नहीं किया है. देन नेक्स्ट है आपका बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसिप्ट है आपकी, तो टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. तो ये हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश इन हैंड का. तो ये क्लोजिंग बैलेंस इन कैश इन हैंड हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर दिया. ओपनिंग बैलेंस शीट को पहले हमें बैलेंस करना है. ओपनिंग बैलेंस शीट को जब हम बैलेंस कर रहे हैं, तो हमारा कैपिटल फंड का फिगर आ गया. इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग, ऑडिट फीस, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन की जो एडजस्टमेंट्स हमने की है ओपनिंग की, और जो आपकी आउटस्टैंडिंग की है, और जो आपकी एडवांस की है, सेम तरीके से जो भी हमारे जर्नल एक्सपेंसेस में, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है, या फिर जो हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है 1st जैन को, 31st दिसंबर को, इनकी एडजस्टमेंट्स भी हमें बैलेंस शीट में करनी है. तो देखिए यहाँ क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने रेंट आउटस्टैंडिंग भी दिखाया है, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग भी दिखाई है. सेम तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी रेंट आउटस्टैंडिंग हमने शो किया है. तो ये हमारा
ओपनिंग बैलेंस शीट को जब आपने बैलेंस किया तो हमारा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आ गई। इस कैपिटल फंड की बैलेंसिंग फिगर को हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखा और इसमें सरप्लस ऐड कर दिया, और जब आप दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे तो आपका जो टोटल है वो इक्वल आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 आपका अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।